मनोड़ा बीच आने का तरीका कार यह है कि सबसे पहले आप आएंगे किमाड़ी, किमाड़ी नेट जेटी से आप फेरी बोट पे आएंगे या जो प्राइवेट बोट्स हैं उन पे सफ़र करेंगे। 100 रुपये का टिकट है, कुछ 50 रुपये में लेके आते हैं। तकरीबन 15 मिनट का सफ़र तय करके आप पहुँचते हैं मनोड़ा जेटी, और वहाँ से जो बीच का फासला है वो तकरीबन 500 मीटर है, और हार्डली अगर पैदल आएंगे तो 10 मिनट लग जाएंगे। वैसे यहाँ पर रिक्शे भी खड़े होते हैं और वो आपसे 100 रुपये चार्ज करते हैं और 5 से 6 मिनट में आपको बीच पे ले आते हैं। अभी हम पहुँचे हैं मनोड़ा बीच पे। कराची में मनोड़ा बीच वाहिद ऐसी जगह है जो काफ़ी बेहतर है, नीट एंड क्लीन है और देखने से ताल्लुक रखती है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ी फोटोग्राफी करेंगे और पानी में अगर मौका मिला तो नहाएंगे। अनलकीली मुझे याद नहीं रहा तो मैं ऐसी कोई किट नहीं लेकर आया कि पानी के अंदर जाया जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि पानी के अंदर थोड़ा टाइम गुजारें और मुकम्मल बीच आपको दिखाएं यहाँ पर रौनक कितनी होती है, कौन कौन सी चीज़ें आपको खाने की मिल जाती हैं। इंतहाई खूबसूरत जगह है कराची में, और यहाँ से आप दूर दूर बड़े बहरी जहाज़ों को आता देख सकते हैं। मनोड़ा बीच साफ़ सुथरा होने के साथ साथ इतना खूबसूरत भी है, पानी बहुत साफ़ है। इसके अलावा जो ये इसका किनारा है ये बहुत साफ़ है, किसी किस्म के पत्थर नहीं है ताकि आपके पाँव जो है वो जख्मी ना हो, और इसकी सफाई भी होती रहती है। साइडों पे जो है 2-3 हट्स भी हैं, यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं, पकौड़े और जो बर्गर वगैरह हैं ये एटलीस्ट आपको मिल जाते हैं। और कोशिश करें खाना घर से बनवा के लाएँ और यहाँ पर बैठ के फिर उसको खाएं। उसके बाद पानी, मीठा पानी भी साथ लेके आए, 2-3 बोतलें अगर हों तो बेहतर होगा। अभी जिस तरफ हम जा रहे हैं आगे बिल्कुल ओपन एरिया है, और काफ़ी आगे तक मुझे नज़र आ रहा है कि साफ़ सुथरा पानी है, लोग भी नहीं हैं। आगे एक डैमिंग वॉल भी है, वहाँ पर बैठ के फोटोग्राफी की जा सकती है, और यहाँ पर रश नहीं है। रश जो है वो सिर्फ जहाँ पर पार्किंग है वहाँ पर ज़्यादा रश होता है, इससे आगे रश नहीं है। तो इससे आगे सेफ है, आप जा सकते हैं जहाँ तक आप जा सकते हैं, आप किनारे किनारे चले जाएँ और समुद्री हवाएं हैं उनका मज़ा लें, पानी की जो आवाज़ है उसका अपना ही एक शोर है।
बताएंगे तो आपको पता बहुत आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे और आप कोशिश करें कि साथ अपने जो कपड़े हैं वो लेके जहाँ चेंजिंग रूम भी है वो चेंज कर लें, और एक ऐसा बंदा ज़रूर लेके जो आपके तमाम डिवाइसेज है वो संभाल के किनारे बैठ जाए और फिर आप आए जो गलती करें और अपने टाइम को जब इंजॉय करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आवाज़ का थोड़ा इशू होगा क्योंकि यहाँ पर जो विंड है वो बहुत ज़्यादा है, तो शायद आपको मेरी आवाज़ समझ ना आ रही हो, तो उसके लिए माज़रत। और इस दुआ के साथ के जहाँ रहें खुश रहें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।